दोस्तों आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई इंसान नीच या घटिया हरकत करता है तो उसे बस यही सुनने को मिलता है कि अबे साले जानवर है क्या, तुझमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन जानवरों को इतनी नीच और तुच्छ कैटेगरी के जीव समझना जरा भी सही नहीं है, क्योंकि जानवर भी कई बार अपनी अनोखी एबिलिटीज और क्षमताओं के कारण हमें इस कदर हैरान कर देते हैं कि फिर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जानवर आए दिन विचित्र और हैरतअंगेज कारनामे करते ही रहते हैं, इसलिए दोस्तों हमने आपके लिए एनिमल मूवमेंट्स नामक एक सीरीज चालू की थी और आज फिर से आप इसी सीरीज का छठा भाग देखने जा रहे हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना, ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब आप जिस बंदर को देख रहे हैं ये इंदौर का है, इसका नाम टिया है। ये भी मात्र 6 महीने का है, लेकिन दोस्तों इंदौर का ये बंदर अदरक वाली चाय पीने का बड़ा दीवाना है। आप देख सकते हैं कैसे एक चाय वाले के करीब बैठ चाय की चुस्की लगा रहा है। ऐसे में जब उसकी चाय खत्म हुई तो उसके पास में खड़े एक व्यक्ति से और चाय पीने की डिमांड कर डाली। बंदर ने देखते देखते 2 कप चाय पी ली और साथ में कुछ बिस्किट्स भी खाए। लगता है इस बंदर को चाय पीने का नशा चढ़ा है। पर दोस्तों इसकी भी एक कहानी है। ये 2 दिन का था जब इसकी माँ की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि ये भी करंट लगने से घायल हो गया था, मगर प्राणी उद्यान का स्टाफ इसे जंगल से रेस्क्यू करके लाया और तब से ये यहीं पल रहा है। आज ये सबका दिल जीतता है और अब तो ये बंदर स्टाफ सहित सैलानियों का भी दुलारा बन चुका है। अब आप इस समंदर में ढेर सारी मछलियों को एक साथ इकट्ठे होते हुए देख पा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इन्हें देख मन में एक अजीब सा सवाल नहीं पैदा होता कि आखिर ये सभी मछलियाँ एक साथ इस जगह पर आखिर क्यों और कैसे इकट्ठा हो गई? जबकि मछलियाँ तो तब एक साथ इकट्ठा होती है जब उन्हें कोई खाना खिला रहा हो। ऐसे में ये नजारा देख वीडियो फिल्मा रहा साइक्लिस्ट भी काफी हैरान था, क्योंकि उसने भी ऐसा नजारा पहली बार ही देखा था। दोस्तों बता दें कि ये सभी मछलियां मेनहादेन प्रजाति की है और ये सब एक दूसरे का पीछे करते हुए इस रिवर के कोने में आकर फंस गई और वापस निकलने में असमर्थ थी। अब इस भालू को भी देख लीजिए, जो गाड़ी में बैठे इन टूरिस्ट को देख इतना ज्यादा खुश हो गया मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे इन टूरिस्ट से खाना जो मिलने वाला था। लेकिन इस भालू ने अपनी इससे भी चौंका देने वाली हरकत तब दिखाई जब इस लड़की ने इसे एक ब्रेड दिया। दरअसल जब लड़की ने भालू की ओर एक ब्रेड को फेंका तो इस भालू ने तुरंत इस ब्रेड को अपने एक हाथ से लपक लिया, जिसके कारण इसका वीडियो भी वायरल हो गया। इन लोगों के साथ वीडियो देखने वाले हर एक शख्स के होश उड़ गए। दोस्तों बच्चे कितने नटखट और प्यारे होते हैं ये तो हम सब जानते हैं, और वो कहीं पर किसी भी वक्त मस्ती करने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ जानवरों में भी देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी क्लिप है जिसमें एक हाथी का बच्चा किसी जू में अपनी माँ के आसपास टहल रहा था। ऐसे में वो अपनी माँ की पीठ के ऊपर चढ़ गया। इस नजारे को देख ऐसा लगता है जैसे उसने ये सब इंसानों के बच्चों से सीखा हो, जैसे कि कोई बच्चा अपने पिता की पीठ के ऊपर बैठकर उसे घोड़ा गाड़ी समझने लगता है और फिर घोड़ा घोड़ा खेलता है, ठीक वैसे ही। लेकिन उसकी माँ हथनी उसे उसी वक्त नीचे गिरा देती है, जिसे देख वहाँ पर पर्यटक और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। अब आप जरा इस बाइसन को भी देख लीजिए, जिसके एक घर के बाहर घूमते हुए वहां पड़े ट्रैम्पोलिन के ऊपर नजर पड़ जाती है, जिसके बाद वे उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चढ़ नहीं पाता और फिर बाद में अपने सींगों से उसे उठाकर फेंकने ही लगता है, लेकिन उसमें भी वो अस्वस्थ रहता है। फिर अंत में बाइसन ट्रैम्पोलिन पर चढ़ता है लेकिन वहाँ मुंह के बल नीचे गिर जाता है, और फिर बाद में जब उसे ट्रैम्पोलिन पर चढ़ा नहीं गया तो वो वहां से पतली गली से निकलने की तैयारी कर लेता है। वैसे बाय द वे दोस्तों ये नजारा देख वीडियो फिल्मा रहे लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। दोस्तों इस भयानक दृश्य पर भी अपनी नजर मार लीजिए, जिसमें देखने को मिलता है कि अंधेरी रात में सुनसान रास्ते से पहले एक बाइक सवार गुजरता है और वीडियो बना रहे लोगों ने अपनी गाड़ी को जंगल के बीच रास्ते में रोक रखा है। दरअसल उन्हें वहाँ बाघ दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब दूसरी एक बाइक पर 2 लोग सवार वहां से गुजरने लगे तो बाघ ने झाड़ियों में से निकलकर उनके पीछे हमला बोल दिया। गनीमत रही बाघ का हमला सीधा उन लोगों पर नहीं हुआ, वरना आज वो दोनों शख्स बाघ के हाथों मारे जाते, क्योंकि दोस्तों बाघ ने इन लोगों पर इसलिए हमला किया था ताकि वो किसी को अपना भोजन बना सके, क्योंकि साथ में उसके बच्चे भी इन झाड़ियों में मौजूद है। अब आप दोस्तों जो जानवरों का इतना बड़ा झुंड देख रहे हो और उनकी भगदड़ देख रहे हो, वो साउथ डकोटा में देखने को मिली थी। ये जानवर भी बाइसन ही हैं,
जिन्होंने अपना ये आक्रामक अंदाज दिखाकर वहां मौजूद गाड़ियों में बैठे लोगों की रूह तक को हिला दिया। आपने इंसानों में पति पत्नी के झगड़े को तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने जानवरों में ऐसी फाइट देखी है? नहीं तो जरा इसे गोरिल्लास को देखिए। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ओमाहा ज़ू में रह रहे ये दोनों भी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आज इन दोनों को पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों आपस में इतना भिड़े पड़े कि एक दूसरे पर इतना ज्यादा हावी हो गए कि मानो बरसों का बदला उन्हें आज ही लेना हो। अब ये कुत्ता इस घोड़े की पीठ पर बार बार अपना मुंह मार रहा था, लेकिन घोड़े को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसने इस कुत्ते को एक जोर से लात दे मारी। खैर, कुत्ते को बुरे काम का बुरा नतीजा मिल ही गया। डैश कैम फुटेज ये साबित करती है कि साउथ अफ्रीकन हाथी कितने ज्यादा खतरनाक और गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि इस हाथी ने इस गाड़ी को ऐसी टक्कर मारी कि उसका बोनट को उखाड़ दिया। ऐसे में तब गाड़ी को चला रहे ड्राइवर के चेहरे के हाव भाव भी देखने वाले थे, वो पूरे तरीके से हाथी से डरा हुआ था। मगर दूसरी तरफ हाथी उसकी गाड़ी के चीथड़े उड़ाने में व्यस्त था। दोस्तों, क्लिप तो हमें पता नहीं चले कहाँ की है, लेकिन हमें इससे ये जरूर मालूम पड़ गया कि ये सभी जर्मन शेफर्ड कुत्ते हैं, और ये यहाँ पर आपस में खेलने कूदने के लिए नहीं और सामाजिकरण के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये ऐसा साल में दो बार करते हैं। साथ में वैसे भी खुला खाते पीते और मौज मस्ती करते हैं। अब दोस्तों, इस बेचारे हिरण को देखिए जो कि हैमॉक के बीच अपने सींग को फंसा बैठा, पर फिर बाद में वहां से निकलने में असमर्थ था। हालांकि कुछ समय बाद उसे वहां से कुछ लोग निकालने के लिए आए, मगर गुस्साया हुआ हिरण उनकी और गुस्से की नजरों से देखने लगा। लेकिन अंततः जब उसे आजाद किया गया तब ये बहुत ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा, और इस कहावत को इस बंदर ने बखूबी सच कर दिखाया। जिस पेड़ की एक शाखा से लटक कर इन बाघों के झुंड के सामने आया और उनके पास से अपना खाना भी उठा कर ले गया, ये बेचारे बस बगले ही झांकते रह गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा इन कुत्तों ने नहीं करने दिया, क्योंकि अब ये दीवार पर चढ़े बंदर नीचे आने की कोशिश करते तभी वो कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और उन्हें डराकर फिर दोबारा से दीवार पर चढ़ने को विवश कर देते। लगता है ये दोनों ही साइड्स आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर छोटे से छोटे कुत्ते में भी गुस्सा देखने लायक था। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको जानवरों की अजीबोगरीब हरकतें देख अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।